बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है। ग्वालियर के पाथाखेड़ा आई एक गर्भवती महिला की एक विवाद के दौरान पेट में चोट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना वार्ड नंबर 15 पाथाखेड़ा की है, जहां पर भाई के साथ हो रही मारपीट में बीच बचाव करने आई गर्भवती महिला की अचानक धक्का उसे लग गया, जिससे महिला गिर गई। इस महिला को अस्पताल में इलाज की पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये दिनांक 1 तारीख की घटना है, दोपहर करीबन 1 से 1.5 के बीच में। ये दो लड़के प्रदीप और राकेश, ये दोनों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई में बीच बचाव करने के लिए रोशनी गई थी, ऐसी जानकारी मिली है। तो रोशनी को धक्का लगा था, वो थी प्रेग्नेंट, तो कहीं उसके पेट में चोट आई है ऐसा बताया परिजनों ने। उसके बाद में इन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि उसको लगा है। वहाँ से इलाज के लिए घोड़ा डोंगरी लेकर के आए थे, घोड़ा डोंगरी से फिर यहाँ पर बैतूल लेकर के आए, बैतूल में फिर उसकी डेथ हो गई। इसमें जो राकेश है उसके विरुद्ध धारा 323 और 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैं घर के अंदर था, मेरा दोस्त मेरे साथ में था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो वो मेरे दोस्त को सीधा मारने लगा, और मारा तो मैं उसको छुड़ा रहा था। जब छुड़ाया तो वो गाली वाली दे रहा था, तो मैंने उससे बोला कि मेरा घर है, मेरी दीदी और मेरी भाभी बाहर बैठी है। तो वो वहाँ से बोले गाली वाली दे के थोड़ा सा आगे लेके गया, और वहाँ पे एक बागुड़ थी उसमें से बांस निकाल के मारा मुझे। और दीदी जब मेरे को पकड़ने के लिए आई तो दीदी को भी धक्का मुक्की दे दिया।